ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र पहुंचे रामलाल ठाकुर ने भाजपा पर जमकर प्रहार किए और कांग्रेस नोटबंदी को सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। नादौन विधानसभा क्षेत्र के गुलोर कांगू दनेटा कस्बों में प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने संबोधन में कहा कि नोटबंदी के समय रसूखदार लोगों का कालाधन सफेद हो गया था और आम जनता को सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ा था। अमित शाह की बिलासपुर रैली के दौरान भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को जीतने के बाद केंद्र में एक बड़ा नेता बनाने की घोषणा पर कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने चुटकी लेते हुए कहा कि बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के साथ ही भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने के बाद अब शाह क्या अनुराग ठाकुर को कबड्डी हॉकी या खो खो का अध्यक्ष बनाने की बात तो नहीं कह रहे। हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र पहुंचे रामलाल ठाकुर ने भाजपा पर जमकर प्रहार किए और कहा कि कांग्रेस नोटबंदी को सबसे बड़ा घोटाला मानती है। नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड कांगू धनेटा कस्बों में प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने संबोधन में कहा कि नोटबंदी के समय रसूखदार लोगों का काला धन सफेद हो गया था और आम जनता को सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ा था। जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट हो गई, सबको उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो लोग अपना पैसा लेके जो बैंक में पैसा जमा था, जो किया था कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पैसा लूँगा, आप ही बताओ कि बच्चे की शादी है पैसा नहीं मिला, कोई बीमार हो गया तो पैसा नहीं मिला, अगर मान लो किसी के घर में मौत भी हो गई तो कर्म धर्म करने के लिए पैसा चाहिए होता है, वो कर्म धर्म करने के लिए पैसा भी नहीं मिला। नोटबंदी से छोटा दुकानदार, छोटा ढाबे वाला, छोटा काम करने वाला, किसान, महिलाएं, मजदूर, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर उसका पड़ा है। और ठीक कहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कि अगर इसकी इंक्वायरी करवाई जाए तो दुनिया भर के सबसे बड़े घोटाले के तौर पे ये नोटबंदी का घोटाला आएगा सबके सामने। और उसके बाद GST लगा दिया, GST ने जो रही सही कसम थी वो उन्होंने निकाल दी। जो है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन थे, वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन से सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, उनको भ्रष्टाचार के रूप में निकाला। और जैसे निकाला तो अमित शाह ने युवा जनता के राष्ट्र के अध्यक्ष होते थे उस पद से भी निकाला। अब वो ये बता दें कि कौन सा पद देना है, कोई कबड्डी का, कोई हॉकी का, कोई मैं कहूँगा कि कोई जो खो खो का, इसका प्रेसिडेंट बनाना हो तो मैं बोल नहीं सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिबार कर रखा है कि अनुराग ठाकुर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस बियर नहीं होगा। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर की जा रही टिप्पणी पर रामलाल ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजनीति में अभी बच्चे हैं, पहले उन्हें अपनी कुर्सी बचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद की लड़ाई के समय किसके समर्थकों ने उनसे बदतमीजी की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि राहु दूर हो। राष्ट्रीय राजनीति में जुमे बचा हुआ है वो अपनी कुर्सी को बचाए पहले, और जिनके बारे में वो कह रहा है उनको याद करना चाहिए। शिमला में जब मुख्यमंत्री का चुनाव होना था तो धूमल हारने के बाद भी उनको, उनके कार्यकर्ताओं ने उसको गले से पकड़ा था। तो आज जो जोर जोर से बोल रहा है वो अंदरूनी, वो भी चाहता है कि ये जो राव ग्रह है इसको हटाना है। हमीरपुर में कांग्रेस के नेताओं के साथ मारपीट के मुद्दे पर ठाकुर ने कहा कि पुलिस में मामला दर्ज करवाने के बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और कांग्रेस ऐसा सहन नहीं करेगी। शिकायत करी है लेकिन पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले रही है। सरकार के दबाव में सारी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गवर्नमेंट के ऑफिसर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं एंड दे वांट टू हाईजैक द इलेक्शन, विल नॉट अलाउ इट।